सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं लोकी क्राफ्ट। एंड आज की वीडियो देखने के बाद आप भी यही बोलोगे, वाओ वेरी डेंजरस। सो गाइस, क्या आप भी लोकी क्राफ्ट खेलते हो? हाँ। एंड क्या आपको लोकी क्राफ्ट की घटिया ग्राफिक्स से छुटकारा पाना है? हाँ। एंड क्या आपको ही चाहिए लोकी क्राफ्ट में ऐसे ग्राफिक्स जो रियल से भी ज्यादा रियल हो? अरे हाँ भाई हाँ। सो गाइस, आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। बट गाइस, उससे पहले मतलब आप वीडियो को लाइक तो करते ही नहीं हो। मेरे 12 के सब्सक्राइबर सोच ले, बट वीडियो पे व्यूज नहीं आते। एंड वो इस वजह से नहीं आता क्योंकि आप वीडियो को लाइक नहीं करते। यूट्यूब को लगता है कि ये वीडियो एकदम फालतू है और उस वजह से ये वाला वीडियो ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं जा पाता है। तो गाइस, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, जिससे कि मेरा वीडियो थोड़ा व्यूज आया करे। यार समझा करो यार, दिल से बुरा लगता है वीडियो को लाइक नहीं करते। अरे भाई भाई, समझ के बोल रहा हूं यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो आओ यार, वीडियो को स्टार्ट कर दें बिना किसी देरी के। सो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ पे अपने लोकी क्राफ्ट की स्क्रीन पे। एंड अभी जल्दी से सेटिंग्स में जाके मैं उस स्वेटर पैक को ऑन कर लेता हूँ। एंड गाइस, लिटरली वो स्वेटर पैक ही नहीं, उसके साथ टेक्सचर पैक भी, मतलब आपको यहाँ पे अंधेरे में भी बहुत सारे ओर्स दिखाई देने के लिए मिल जाएंगे। एंड इस स्वेटर पैक का नाम है DGR स्वेटर्स। एंड मैं आपको एंड में बता दूंगा कि आप इस स्वेटर पैक को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी हमारा यहाँ पे स्वेटर पैक ऑन हो रहा है, मतलब लोड हो रहा है, कुछ देर तक हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा यहाँ पे सर्वर पे यहाँ पे लोड हो चुका है। एंड जल्दी से यहाँ पे अपने लिए एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। एंड पता नहीं यार, यहाँ पे कितनी प्रोसेस करने पड़ती है एक वर्ल्ड को क्रिएट करने के लिए। यार पुराने वाले लोकी क्राफ्ट में बस क्रिएट न्यू वर्ल्ड पर टैप कर दें, वर्ल्ड क्रिएट हो जाता था। एंड जल्दी से यार यहाँ पे हम अपने लिए एक वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं। सो गाइस, फाइनली हमारा यहाँ पे वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। एंड गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने ज्यादा रियलिस्टिक ग्राफिक्स आप यहाँ पे देख सकते हो लोकी क्राफ्ट के। एंड सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक डर्ट दिखा देता हूँ, मतलब ये डर्ट ब्लॉक आप यहाँ पे देख सकते हो पहले से कितना ज्यादा रियलिस्टिक है। एंड नीचे आप डर्ट को भी देख सकते हो पहले से कितने ज्यादा रियलिस्टिक हो चुकी है। एंड मैं भी स्टोन को देखना चाहूंगा कि स्टोन कितना ज्यादा रियलिस्टिक है पहले से। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, सॉरी, स्टोन कितना ज्यादा रियलिस्टिक है पहले वाले लोकी क्राफ्ट से। एंड आप यहाँ पे लिप्स को भी देख सकते हो। बट यहाँ पे यार सन को तो थोड़ा भी चेंज नहीं किया है इन्होंने। एंड यहाँ पे कुछ क्लाउड्स तो नहीं आ रहे, बट कुछ भी हमारा फोन यहाँ पे बिल्कुल भी अभी लैग नहीं हो रहा है। एंड अभी आगे चल के और भी देख लेते क्या क्या है। नीचे मुझे कुछ पंपकिंस दिखाई दे रहे हैं। एंड इनका आप टेक्स्चर पैक देख ही सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे ऑसम दिखाई दे रहा है। एंड अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ आर्मर्स को भी पहन के दिखा देता हूँ कि आर्मर का टेक्स्चर पैक कितना ज्यादा चेंज हुआ है। तो ये हमारा नेदरराइट आर्मर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका लुक पूरा का पूरा चेंज हो चुका है पहले से। एंड सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सभी के भी आर्मर्स को यहाँ पे पहन लेता हूँ। एंड मैं इन आर्मर्स को ले भी लेता हूँ। मैं अभी आपको आर्मर स्टैंड को पहना के दिखा दूंगा इन आर्मर्स का लुक। एंड यहाँ से मैं ले लेता हूँ नेदरराइट की सॉर्ड, नेदरराइट की एक्स, एंड बस बहुत है इतना ही। नेदरराइट की पिकैक्स भी ले लेते हैं। एंड अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे एक आर्मर स्टैंड ले लेता हूँ। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना लुक चेंज हो चुका है इस आर्मर्स का। तो मैंने यहाँ पे आर्मर स्टैंड ले लिया है। एंड इसको जल्दी से यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। एंड अभी मैं इसको ये वाले आर्मर्स को इक्विप करा देता हूँ। एंड अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि नेदरराइट के आर्मर्स का मतलब लुक कितना ज्यादा चेंज हो चुका है। एंड आप यहाँ पे नेदरराइट की सॉर्ड को देखो, नेदरराइट की पिकैक्स को पहले से यार कितने चेंज। अरे यार इनको यार मेरी वीडियो को खराब कराना, इसको टपकाओ यहाँ से। एंड अभी आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि नेदरराइट की सॉर्ड कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है। एंड वूल का टेक्सचर भी आप देखो यार कितना ज्यादा चेंज हो चुका है यहाँ पे। एंड मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। मैंने मुझको यहाँ पे कुछ माइन दिखाई दी थी, अभी मैं उसके अंदर जाके आपको ओर्स को भी दिखा देता हूँ, ओर्स यहाँ पे कितने ज्यादा रियलिस्टिक हो चुके हैं। तो सबसे मैं यहाँ पे एक पोजन ऑफ नाइट विजन ले लेता हूँ एंड उसको अपने ऊपर मार के चलते हैं इस माइन के अंदर। एंड देखते हैं कि ओर्स कितने रियलिस्टिक हो चुके हैं एंड हमको क्या ये अंधेरे के अंदर भी दिखाई देंगे या नहीं। तो मैं आ चुका हूँ इस माइन के अंदर। एंड आप यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारे सामने कुछ कोल के ओर्स एंड ये कितने ज्यादा चेंज हो चुके हैं पहले से। एंड यहाँ पे यार ये माइन थोड़ी सी बड़ी है, बट कुछ नहीं, हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ और ओर्स को। एंड मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे ओर्स कितने ज्यादा चेंज हो चुके हैं एंड क्या हमको ये अंधेरे में दिखाई देंगे या नहीं। एंड गाइस, अभी मैंने यहाँ पे कुछ ओर्स को ले लिया है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन ओर्स का टेक्सचर कितना ज्यादा चेंज हो चुका है यहाँ पे। एंड सबसे ज्यादा तो यहाँ पे डायमंड को ओर का टेक्सचर चेंज हुआ है पहले से, मतलब यार पहले पूरा का पूरा स्क्वायर सा दिखाई देता था एंड अभी कुछ रियल सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायमंड का ओर हमारा। एंड पूरी की पूरी माइनक्राफ्ट वाली फील आ रही है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा कुछ गोल्ड के भी ओर्स है, नेदर के भी ओर्स का टेक्सचर चेंज हो चुका है यहाँ पे पूरा का पूरा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पाइडर आ रही है, इसका मतलब यार आप इसकी स्किन देखो, मतलब कितनी चेंज हो
चुकी है पहले से। एंड यार हम अपने यहाँ पे अपने फेवरेट मोब आयरन गोलम को स्पॉन करके देखने वाले हैं कि उसका टेक्सचर कितना ज्यादा चेंज हुआ होगा यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कमांड तो डाल लिया एंड अभी कुछ ही देर में आयरन गोलम आ जाएगा यहाँ पे। एंड हमारा आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, यहाँ पे देख ही सकते इसका टेक्सचर पहले से कितना ज्यादा चेंज हो चुका है यहाँ पे। एंड अभी यार हमने आयरन गोलम को स्पॉन कर ही दिया, तो चलते हैं यार एक विलेज के अंदर एंड वहां पे देखते हैं कि हमारे विलेजर भाई साहब का स्किन कितना ज्यादा चेंज हो चुका है इस मोड को लगाने के बाद। सो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ इस सैंड विलेज के अंदर एंड हमारे सामने है विलेजर भाई साहब, फार्मर भाई साहब। ये अपनी शक्ल तो दिखाई नहीं रहा यहाँ पे एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी स्किन मतलब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है यहाँ पे। मतलब पहले कैसे फार्मर्स होते थे लोकी क्राफ्ट में एंड अभी कैसे। एंड आप यहाँ पे क्रॉप्स को तो देखो यार, मतलब क्रॉप्स का टेक्सचर पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो चुका है। मुझको यहाँ पे पता भी नहीं चला ये कौन से क्रॉप्स हैं यार। एंड इस विलेज में आई होप कुछ ज्यादा दिखाने के लिए तो नहीं है, तो चलते हैं जल्दी से नेदर के अंदर, वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करके देख लेते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ नेदर के अंदर एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेदर का पूरा टेक्सचर यहाँ पे चेंज हो चुका है। यहाँ पे चारों तरफ कुछ रेड रेड सा यार छाया हुआ है जो कि पहले लोकी क्राफ्ट में नहीं होता था। एंड ये हमारे पिगलिन भाई साहब सामने, इनका भी यार पूरा स्किन चेंज हो चुका है एंड नेदर का भी टेक्सचर चेंज हो चुका है यहाँ पे। एंड सामने पता नहीं कौन सी भाई हूँ मैं, यहाँ पे भी कुछ अलग सा यार मतलब। एंड शायद एंड का भी कुछ मतलब टेक्सचर चेंज हुआ होगा, आप खुद ही जाके देख लेना। एंड अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस टेक्सचर पैक प्लस सेल्फ पैक को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोन्स फॉर माइनक्राफ्ट एंड आपको इसमें सर्च करना है सेडर्स। एंड सेडर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे डीडीआर सेडर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, अपने लोकीक्राफ्ट में एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियोज के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। Oh, 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 oh